हेलो। हेलो। हाँ भाई बोल। एक सवाल का जवाब देगा? हाँ जल्दी पूछ। सपोज तू बेन 10 है और तेरे 10 सिस्टर्स हैं, बहन आई मीन, तो तू 10th नंबर की बहन को क्या कह के बुलाएगा? उसका नाम लेके ऑफ कोर्स। ना, गलत जवाब। तो तू ही बता दे क्या बुलाऊंगा। तू बोलेगा बहन 10, बेन 10। रख तेरी माँ की रख। सॉरी 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 सॉरी। हेलो ऑसम पीपल, वेलकम टू येट अनदर ऑसम वीडियो ऑन बेन 10 फैक्ट्स। बाकी वीडियोस का लिंक एंड स्क्रीन पर है, वहां से देख लेना। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे फिर आगे भी तो टाइम वेस्ट करना है आपका थ्रू आउट द वीडियो। तो लेट्स बिगिन। ओमनीट्रिक्स नाम ओमनी मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म है, बट इसका ऑफिशियल नाम फाइनल होने से पहले इसका एक और नाम था। पहले मेगावाट इसका नाम होने वाला था ओमनीट्रिक्स की जगह, जिसका पूरा नाम था मेगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ट्रांस डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मिनल न्यूमरेटर। इतना लंबा नाम, ऊपर से लास्ट में एटर और है, इससे मुझे डॉक्टर डूफिनशमर्ट्स की याद आ गई। आगे जान लेते हैं कि ओमनीट्रिक्स को बनाने के पीछे मकसद क्या था। तो भाई लोग, इसे बनाया था एजमथ ने, और उसने ओमनीट्रिक्स तीन मकसद से बनाई थी। फर्स्ट ये कि ओमनीट्रिक्स यूनिवर्स के मिलियंस ऑफ एलियन स्पीशीज का डीएनए स्टोर करके एक लाइब्रेरी या रिपोजिटरी के जैसे काम करे, ताकि जब कभी कोई एलियन स्पीशीज यूनिवर्स से लुप्त होने के कगार पर हो, तो ओमनीट्रिक्स में मौजूद डीएनए की मदद से उस स्पीशीज को एक्सटेंड होने से बचा जा सके। सेकेंड रीजन ये था कि ओमनीट्रिक्स में मौजूद डीएनए की मदद से सभी एलियन स्पीशीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके, वो एक दूसरे के जीने के तरीकों को सीखे, हारमनी से रहें। थर्ड रीजन ये था कि एजमथ को लगता था कि ओमनीट्रिक्स को बनाने के पीछे उसका मकसद अच्छा था, तो इस अच्छाई को देखकर एजमथ की एक्स लवर जेनिथ उसके पास वापस आ जाएगी। वो अच्छा और नेक मकसद था यूनिवर्स में शांति कायम करना। एजमथ को पछतावा था कि उसने जवानी के दिनों में एक सुपर पावरफुल तलवार एस्कलॉन को बनाया था, जो बाद में चोरी हो गई थी और बुरे हाथों में पड़ गई थी, विच लेटर कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लैनेट। उसी बात का प्रायश्चित करने के लिए एजमथ ने ओमनीट्रिक्स बनाई थी। और फिर सीक्रेट ऑफ ओमनीट्रिक्स में एजमथ ये बात भी तो बोलता है कि मैंने कोई वेपन नहीं बनाया, ओमनीट्रिक्स को वेपन तुम लोगों ने बनाया है, मैंने तो एक अल्टीमेट डिवाइस बनाया था यूनिवर्स के प्राणियों को समझने के लिए। गाइज, कभी आपने सोचा है कि आप वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, रमी, पोकर और कॉल ब्रेक जैसे गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो? मैं आपको एक ऐसी गेमिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ से आप 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा सकते हो इंडिया में, वो भी डेली। उस ऐप का नाम है विंजो। विंजो ऐप पर आप 70 से ज्यादा गेम्स खेल सकते हो, अपनी गेमिंग स्किल्स यूज करके अर्न कर सकते हो, और उन पैसों को सीधे UPI, Paytm और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। ये देखो गाइज, कैसे मैंने सबवे सर्वर खेल के झट से 10,000 रुपीज अर्न कर लिए एक ही बार में। यहाँ लीडर बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं, जिससे आप 5 लाख एडिशनल रुपए तक कमा सकते हो। अब तो मैं रोज ये गेम खेलता हूँ, आप किस बात का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अभी विंजो डाउनलोड करोगे तो 50 रुपए बोनस मिलेगा। फर्स्ट टाइम अमाउंट ऐड करने पर 100% कैश बैक भी मिलेगा। तो लेट्स प्ले विंजो। क्या पता नेक्स्ट सेम गेम में मैं आपका ओपोनेंट हूँ, क्योंकि इस गेम में जीतने में किक है। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और आदत लग सकती है, कृपया अपनी सूझबूझ से खेलें। अगर कभी आपने सोचा हो कि ओमनीट्रिक्स कितने एलियंस स्टोर कर सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ओमनीट्रिक्स में 1,900,000+ एलियंस का डीएनए है, जिसमें से 70 के अराउंड अनलॉक किए जा चुके हैं, एंड 60+ एलियंस में हम बैन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख चुके हैं। वेल, इतने सारे एलियंस बना दिए गए सीरीज के लिए, बट सभी एलियंस काम के नहीं हैं। कुछ एलियंस तो ऐसे बना दिए गए थे एलियंस के नंबर बढ़ाने के लिए और इस सीरीज में फनी एलिमेंट्स डालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बंजी स्पॉन्ज, मेली माउथ, हिप्पोपोटामस, सोमनम बुलिजार्ड, स्किड मार्क्स, क्रैप्टेस्टिक एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकी ओरिजिनल इमेज तो मुझे नहीं मिली, बट इनके डेविएंट आर्ट पर कुछ पिक्स थी जो आप देख सकते हो। ये सभी एलियंस बेन 10 के को-राइटर मैट वेन के आइडिया थे। बेन 10 ओरिजिनल सीरीज में बेन की ओमनीट्रिक्स वाले सभी एलियंस ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट पहनते थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो सभी एलियंस बेन के अपीयरेंस से मैच हो सकें और अपनी स्पीशीज के दूसरे एलियन से अलग रख सकें, ताकि इस शो के व्यूअर्स, जो कि मोस्टली बच्चे थे स्टार्टिंग में, उन एलियंस को पहचानने में उन्हें दिक्कत ना आए, वो ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन दूसरे स्पीशीज का एलियन है और कौन बेन का स्पेसिफिक एलियन है। फिर जब ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेट हुई तो इस फीचर को हटा दिया गया। एक और फैक्ट पहले वाले फैक्ट से जुड़ा है, वो ये कि बेन एलियंस के नाम जोर से बोलता है। वो इसलिए ताकि जो यंग ऑडियंस है उन्हें वो एलियन नेम्स याद रह जाएं। आई थिंक पोकेमोन में जो पोकेमोन अपने नाम बोलते हैं, उन्हीं के पीछे भी ये रीजन रहा होगा।
अगर ओमनिट्रिक्स के कुछ शानदार फीचर्स की बात करें तो ये वॉच आपको अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये वॉच आपके डीएनए में मौजूद गड़बड़ी को सुधार सकती है, कोरोडियम के संपर्क में आने पर होने वाले डेंजरस इफेक्ट्स को रिमूव कर सकती है। अगर आपको कभी एक्टोनोराइट ने पजेस कर लिया हो तो आपको वापस ठीक कर सकती है, डॉक्टर एनिमो की म्यूटेंट रे से बचा सकती है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो ये वॉच वाटरप्रूफ है। इसमें जीपीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलोग्राम मैप, वॉइस कमांड, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, टेलीपोर्टेशन डिवाइस के साथ ही लगा है भूटा गोरिल्ला ग्लास 10 जो कि इसे टूटने से भी बचाता है। इसका रिसाइजेबल स्ट्रैप किसी के भी हाथ में आसानी से फिट हो जाता है। इतना सब करने के बाद भी ये वॉच टाइम नहीं बताती। हमारी बात पर यकीन ना हो तो ओमनिट्रिक्स के यूजर्स के मुंह से खुद ही सुन लीजिए, पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था क्योंकि मुझे जेनेटिकली अर्थराइटिस था जो मेरे पूर्वजों के डीएनए से मुझे मिला था। फिर एक दिन गैलवन गांव के हकीम अजमत बाबा ने मुझे चमत्कारी वॉच दी जिसने मेरे डीएनए की गड़बड़ी को ठीक कर दिया। अब मैं जी भर के भंगड़ा कर सकता हूँ। इसे अभी ऑर्डर करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 9999101010 पर कॉल करें। पहले 100 ऑर्डर्स पर आपको मिलेगी एक एक्स्ट्रा वॉच ताकि आप टाइम भी देख पाओ। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। बेंटन का एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड कोड था जो कुछ ऐसा था, 000 डिस्ट्रक्ट 0। अगर आपने स्टार वॉर्स की थर्ड मूवी द सर्च फॉर स्पॉक देखी है तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रक्शन कोड वही है जो इस मूवी में फाइनल डिस्ट्रक्शन कोड था। भाई साहब, स्टार वॉर्स का अलग ही धुआं रहता है हॉलीवुड में। लास्ट वीडियो में भी हमने स्टार वॉर्स का रेफरेंस देखा था, वो वीडियो नहीं देखा हो आपने तो एंड स्क्रीन पर लिंक है, वहां से देख लेना। ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर है अजमत, सबको पता है, और बेंटन ओरिजिनल सीरीज की शुरुआत हुई थी 2005 में, ये भी पता होगा। बट अजमत को इस फ्रेंचाइज में अपीयर होने में 2 साल लग गए थे। एक्चुअली अजमत का फर्स्ट मेजर अपीयरेंस 2007 की मूवी बेंटन सीक्रेट ऑफ ओमनिट्रिक्स में हुआ था, जिसके बाद अजमत इस फ्रेंचाइज में काफी फ्रिक्वेंटली अपीयर होने लगा और इस सीरीज की स्टोरी का एक कॉमन कैरेक्टर भी बन गया था। ओमनिट्रिक्स का एक और प्रोडक्शन फेज फैक्ट ये है कि इसका यह आइकॉनिक ग्रीन कलर पहले ग्रे और व्हाइट कॉम्बिनेशन में होने वाला था पूरी सीरीज में। बट कूल क्या लगता, ग्रे या ग्रीन? मुझे तो ग्रीन ही कूल लग रहा है। बस इसी बात पर डिजाइनर्स ने वो कॉन्सेप्ट ड्रॉप करके ये ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया था। तो भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपका फेवरेट बेंटन एलियन कौन सा है वो भी कमेंट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।